के मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वे से जुड़ी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वे को मंजूरी दे दी। हाईकोर्ट ने अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग स्वीकार कर ली। हालांकि सर्वे की तारीख और एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा इस पर फैसला आना बाकी है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वे का रास्ता साफ हो गया। हिंदू पक्ष ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के लिए अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग की थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जैसे ही इसकी मंजूरी दी हिंदू पक्ष खुश हो गया, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वे को मंजूरी दे दी और एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग मान ली। उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया। हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास शाही ईदगाह परिसर के सर्वे के लिए अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति हो और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की अर्जी मंजूर कर ली, लेकिन सर्वे की तारीख क्या होगी और एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा इस पर फैसला 18 दिसंबर को होगा, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट 18 दिसंबर को तय करेगी कि सर्वे कब से शुरू होगा और एडवोकेट कमिश्नर किसे बनाया जाएगा। हिंदू पक्ष का कहना है कि भगवान कृष्ण का जन्म स्थान मस्जिद के नीचे है और शाही ईदगाह मस्जिद बनाने के लिए जमीन पर गलत तरीके से कब्जा किया गया। हिंदू पक्ष ने यही दलील देकर सर्वे की मांग की थी और इस जमीन में 2 एकड़ में गलत ढंग से शाही ईदगाह मस्जिद ने कब्जा कर लिया है और जहां पे कंस का कारागार था वहीं पे उन्होंने मस्जिद निर्माण कर दिए। इससे पहले अयोध्या में विवादित ढांचे का भी ASI सर्वे करवाया गया था और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में भी ASI सर्वे को मंजूरी मिल चुकी है और अब मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में सर्वे का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि हिंदू पक्ष ने दलील दी कि शाही ईदगाह मस्जिद में हिंदू मंदिर के बहुत सारे चिन्ह और प्रतीक हैं और वास्तविक स्थिति जानने के लिए ASI सर्वे जरूरी है।